please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आज हम मुंबई के जाने माने महबूब स्टूडियोज में हैं और आज हमारी हॉट सीट पर वाकई एक खास मेहमान हैं, एक सितारा जो कि कनाडा से अमेरिका से होते हुए मुंबई चला आया, एक ऐसी शख्सियत जिनको लोग प्रेम और नफरत बराबर करते हैं, एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में इतनी जिज्ञासा है लोगों के मन में कि गूगल पे सबसे ज़्यादा हिट्स उन्हीं के बारे में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा। जी हाँ, वो व्यक्ति हैं, वो शख्सियत हैं जो पहले एक ज़माने में पॉर्न स्टार थी और अब बॉलीवुड में एक बड़े सितारे के रूप में उभर के आ रही हैं। सनी लियोन हमारी हॉट सीट पर। सनी, स्वागत है आपका। थैंक यू। आप जिसको अडल्ट कॉमेडी जो जॉनर जो आप डिस्क्राइब कर रही हैं सनी, ये भारत में एक बड़ा एस्टैब्लिश जॉनर तो नहीं है, ये एक नया जॉनर है इसको अगर मैं कहूँ तो। आपको लगता है कि आप इस जॉनर की सबसे बड़ी स्टार हैं? I don't think so, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट मूवी है एंड statistically shown, Grandmasi had brought in over 100 crores or 100 crores, which is huge. So I think acceptance levels ye genre ke liye, it's pretty big. It's pretty big for you. Not me, anybody. आप लेकिन आप आपको शायद आप वाकिफ होंगे इस बात से कि आपका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा क्यूरियोसिटी जगाता है लोगों के मन में। आप गूगल पे सबसे ज्यादा गूगल्ड व्यक्ति भारत में आप हैं, प्रधानमंत्री मोदी को भी आपने पीछे छोड़ दिया है। तो आप जरा कुछ इस पे प्रकाश डालें सनी कि ऐसा क्या है आपके व्यक्तित्व में, व्हाट इज इट अबाउट योर पर्सोना कि सब लोग इतने उत्सुक क्यूरियस क्यों होते हैं? आई डोंट नो, आप मुझे बताओ लोग कितने क्यूरियस क्यों हैं। आई थिंक मेरा स्टोरी में भी जो है, मैं कहाँ से आई एंड इंडिया पहुँची, हाउ दैट स्टोरी डेवलप्ड इज मे बी वो क्यूरियस है। आप मैं जब इस इंटरव्यू को करने के लिए आ रहा था तो मैं आपके बारे में मैं अनेक प्रकार के लेख पढ़ा रहा था। मैं ग्लोबली लोगों ने आपके बारे में लिखा हुआ है, सिर्फ भारत में नहीं बाहर भी, और बहुत से लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई आपके जीवन में एक ऐसा वाकया, कोई ऐसा कदम, दैट वन स्टेप जहाँ पर आपको लगा कि शायद आपने ठीक काम ना किया हो, आपको आपके मुताबिक ठीक फैसला आपने ना लिया हो, राइट चॉइस आपकी ना हुई हो, वो क्या होगा? द राइट चॉइस, मैं बिलीव करती हूँ दैट लाइफ में मोमेंट्स होते हैं एंड वो मोमेंट्स एक सेकंड में होते हैं दैट आपका पूरा दुनिया चेंज होता है। एंड आई थिंक दैट जो मैंने किया लाइफ में, एवरीथिंग वाज अ स्टेपिंग स्टोन टू गेट इंडिया में टू फुलफिल अ ड्रीम अबाउट यू नो मेनस्ट्रीम मूवीज मुझे करने थे। मुझे पता नहीं था कि बॉलीवुड फिल्म्स होंगे, बट आप हमेशा से स्टार बनना चाहती थी? हाँ जी, हमेशा से आप स्टार बनना चाहती थी? फिल्मों में काम करना चाहती थी। अगर स्टार होती या नहीं होती वो सेकेंडरी था, बट मुझे सिनेमा एंड फोटोग्राफी एंड द आर्ट ऑफ एक्टिंग इज समथिंग दैट मैं बहुत। ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? चूँकि मैं देख रहा था आपके बारे में, आपने तो विभिन्न प्रकार के आपने कार्य किए हैं, बेबी सिटर, आप एक किसी जर्मन बेकरी में भी शायद आपने काम किया हुआ है, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र था ज़रा उसके बारे में बताएं आप। मुझे पता नहीं था कि लाइफ में आई वुड जॉइन द एडल्ट इंडस्ट्री। इट्स नॉट समथिंग दैट मैं हर रोज सोचती थी कि जब मैं 18 होंगी मुझे ये करना है। दैट्स नॉट व्हाट आई मतलब पॉर्न स्टार तो नहीं बनना चाहती थी। आप चाहती थी एडल्ट एंटरटेनर बनना? नहीं, मुझे पता, आई मीन इट वाजंट समथिंग दैट मैं हर रोज सोचती थी कि मुझे ये करना है। इट जस्ट हैपेंड। मैंने एक एजेंट, I met an agent and usne mujhe, you know, he showed me some photos and some magazines and jab maine dekha tha, maine mere liye vulgar nahi tha, mere liye maine socha ki ye bahut beautiful hai, it's something that is very glamorous and that's all the thought that went into it. To aap aaj ki tareek mein jab aap Bollywood mein hain, aur ye kehna shayad sahi hoga, lazmi hoga ki aap lagbhag established अपने आप को आप कर चुकी हैं, आप जब कोई फिल्म आज की डेट में जब आप करती हैं
तो वो कौन सी ऐसी चीज होती है उस फिल्म के बारे में जो आपको उसके प्रति आकर्षित करती है? व्हाट इज इट दैट अट्रैक्ट्स यू? स्टोरी, पहला स्टोरी होता है. आई रीड स्क्रिप्ट्स, हर रोज पढ़ती हूँ एंड बहुत स्क्रिप्ट मिलते हैं, बट फर्स्ट स्क्रिप्ट होता है एंड देन बिजनेस. आप हिंदी के ऊपर जो मैं देख रहा हूँ आपका उच्चारण भी आपका बदलता जा रहा है, आपका लगातार अच्छा हो रहा है, मतलब उसके ऊपर आप खास ध्यान देती हैं क्या? मैं कोशिश करती हूँ दैट हर रोज मैं हिंदी बोलती हूँ. एक्सेंट है, अमेरिकन एक्सेंट है, बट मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है दैट दिस इज़ अ बर्थ राइट. एंड जब मैं छोटी थी मुझे पंजाबी नहीं सीखना था क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे या स्कूल में कोई पंजाबी नहीं बोलता था, सो मुझे भी नहीं करना था. एंड इट वाज़न्ट अंटिल आई केम हियर दैट आई स्टार्टेड लर्निंग. सनी, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय जो समाज है बड़े हिपोक्रेट, बड़ा हिपोक्रिटिकल समाज है, डबल स्टैंडर्ड्स है हमारे समाज में बड़े, और शायद आप उसकी जीती जाती आप एक प्रकाष्ठा हैं कि यहाँ पर देखिए सब लोग जो है आपको देखते हैं कि आप मॉरली आप लोगों को करप्ट करती हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर आप लोगों के मन में जिज्ञासा भी बड़ी पैदा करती हैं. क्या ये नहीं दर्शाता कि हमारा जो समाज है बड़ा एक डबल स्टैंडर्ड्स का समाज है? आई थिंक दैट डबल स्टैंडर्ड्स हर कंट्री में होता है, अमेरिका में भी होता है. सो इट्स नॉट एन एबनॉर्मल थिंग क्योंकि सबका सोच अलग होता है. आपका सोच, मेरा सोच, और यू नो मे बी कैमरा गाइज सोच, सबका डिफरेंट होता है, सबके स्टैंडर्ड्स भी डिफरेंट होते हैं. सो as far as hypocrites go, I think that they're everywhere and you can't do anything about it. There are some who believe that if Sunny Leone is becoming this brand ambassador of sorts of this new India, then it's a very dangerous trend to have. That if Sunny Leone is the most Googled... You're the first person and only person ever to say that. I'm telling you. No, I'm telling you, you know, a lot of commentary which has gone on social media in particular, where you are very popular. There are many housewives, for instance. You know, there are many Indian, not just housewives, there are, let me put it this way, many Indian married women who look at Sunny Leone as a threat towards their husbands, and they believe that their husbands are all going to be taken away by Sunny Leone. You know, it may be a joke. Sorry, I don't want your husband at all. I have my own. I love him. He's hot. He's sexy. He's very smart. He's very talented. And sorry, ladies, I don't want your husband. that's, you believe that this is all nothing. You don't care about all this. Well, it's not that I don't care. I believe that every husband and wife should have a beautiful relationship, a healthy relationship, that people should be secure in their lives and with who they are and their husbands or their wives, boyfriends, girlfriends, whoever it is in life. At the end of the day, I should not matter in their world. If someone was to say something about you, say something nasty about you, how would you deal with it? Would you call up the person and say, hey, I mean, it's my life and I'm getting on with it in whatever way I want to? I wouldn't want to give that person the gratification of them knowing that they upset me, ever. So, you know, here, a couple of things that I picked up, and you can correct me if I'm wrong. I'm told that Kapil Sharma, you know, the host of Comedy Nights with Kapil, at one point of time had said that he was not too comfortable shooting with you because he thought that he had family audiences and Sunny Leone really didn't fit into the description of family audiences. Is this true? I have no idea because I've been on his show multiple times. I'm happy that I got to be a part of his show. I'm sure if he had an issue... then he would have raised it with you perhaps. I wouldn't be on his show multiple You know, Bobby Khan, times. The director of your film, Ek Paheli Leela, I saw a quote from him where he said that he went to a lot of big stars, you know, male actors, to perform with you in that film and nobody wanted to. Now, did that make you feel bad? So why I'm raising all this is because, you know, because there seems that while the commercial value of your work certainly seems to be doing quite well, but there is a lot of resistance, sure, inhibitions, yeah, about you. How do you deal with that? I actually don't care about anybody else's inhibitions or what they're insecure with, if they want to work with me or not. It actually doesn't affect my life at all. I work every single day and I'm very happy for that. So whether I work with XYZ or somebody from this side, it doesn't affect me because I'm still working. And you think an Amir Khan would ever work with you? Probably not. Why? Because of my background. And would you want to work with Amir? Of course, who wouldn't? So you would want to work with Amir, but Amir would not want to work with you. Well, I have no idea. You have to ask. But how would this reflect on you then? It doesn't affect me. I'm still going to be an Amir fan. I'm still going to watch all his movies. I'm a realist.
I'm not somebody that's, you know, of course I have dreams, and everybody who's in entertainment, most people are dreamers. But first and foremost, I'm a business person, and I'm a realist. But are you worried, Sunny? On one hand, you say that you're a business person, you're a realist, I take that point. But do you not sometimes get affected by the fact that your past, mm-hmm. you know, your past that you were this pawn queen, will continue to haunt you? But or maybe continue to pull you back? But maybe you could have gone, maybe. But you're maybe the only person that, it's the press and the media that says holding back or haunt. Mm-hmm. I've never said haunt. I've never said held back. Sure enough. I'm not held back. It's like I said, I work, you know, maybe I don't know yet. Maybe one day I get to work with somebody who's this huge star. Mm-hmm. But at this moment, I don't know any better. लेकिन आप अगर मान लीजिए अगर जीवन का चक्र अगर घुमाया जाए अगर और अगर हम इतिहास में वापस जाएं जो कुछ आपने अब तक किया आप दोबारा से आप वही सब करते हैं कि आप कुछ बदलने की सोचते हैं? जो मैंने लाइफ में किया मेरे कोई रिग्रेट्स नहीं है. आई हैव ए ब्यूटीफुल लाइफ एंड अगर चांस मिलता है आई वुड डू इट ऑल ओवर अगेन. आप दोबारा से आप वही सब करते हैं आप जो आपने जो कुछ किया है आपने? ऑफ कोर्स, क्योंकि एवरीथिंग दैट आई हैव डन जो मैंने लाइफ में किया has led me to ye kursi and this movie, this life, ye sab kuch. Agar wo nahi hota, then main yahan nahi hoti. Aap yahan se aage ka safar bataiye. Yahan se aage ka safar kaise chalega? Kya kis kisam ka aap kaam karne ki soch rahi hain? Well, mere do movies jo aayenge is saal mein, other than Masizade, bilkul different hai from Masizade, from Aragani, from Kuch Kuch and Leela. So to me, the movies are different, alag hai. And dekhte agar log mujhe aise acha lagta hai ya kis prakar ka karya jo hai, kis prakar jo karya kaam work, kis prakar ka kaam aap apne aap ko aage karte hue dekhti hain aap filmon mein? Mujhe sirf kaam karna hai. I want to pick a nice story jo mujhe acha lagta hai, and that's the story that I want to work on. Ye jo next movie hai, it's serious and thoda sa conservative hai. Serious conservative film, right? Sunny conservative film karengi kya aage chalke? Thoda sa conservative, it's the subject conservative nahi hai, but the movie jaise log dekhenge, you know, they're going to see a different side. Ab ek aise samay pe reh rahe hain Sunny jahan par jo hamara jo film censor board hai unko ek James Bond ki jo film hoti hai usme bhi unko ek kissing scene pe unko aapatti hoti hai, wo usi ko kaat dalte hain. ऐसे समाज में, ऐसे समय में आप एक सितारा बनती हैं, आप आती हैं, आप फिल्मों में आती हैं, आपको कभी कभी डर नहीं लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इतनी मेहनत कर रही हैं जो आप इन सब फिल्मों में, कहीं सेंसर बोर्ड उस मेहनत के ऊपर कभी पानी ना फेर दे? सेंसर बोर्ड हर कंट्री में होता है. सेंसर बोर्ड का जॉब है कि सेंसर करना है, या देयर गोइंग टू डिसाइड. अगर वो I'll use an American example. HBO jo hota hai, wo ABC mein nahi hoga. It's simple. Wo censorship board, they screen it, they censor jo what is normal for ABC and what is normal for HBO. So, har country mein hota hai. It's not something that sirf India ne create kiya. It's everywhere. Kuch darshakon se jode sawal leta hu. Kafi log pooch rahe hain. Ek sawal jo kafi log poochna cha rahe hain, wo ye pooch rahe hain aapse ki jab aap khali hoti hain. जब आप मान लीजिए जब आप when you're free, you know, जब आप when you're not shooting, जब आप घर पे होती हैं, अगर आप घर पे होती हैं तो what is it that keeps you busy? क्या करती हैं आप? I paint. I paint. I read scripts. I मेरे दो dogs हैं, उसके साथ खेलती हूँ. कुत्तों का शौक है आपको? हाँ जी. Dogs का शौक है आपको? Yes. What's the name of your dog? One's Chopper. He's a 110-pound German Rottmastiff mix, and the other is Lilu. She's a Aussie Shepherd Terrier mix, and they're both from the shelter. Do you cook? Do you cook? Yes. You cook food? That's the other question which someone has asked me. Kya Sunny khana banati hai kya? Haan, khana banati hu. Zyada Indian khana nahi banati hu, but I love making food. Jab main America jaati hu, I call my friends, my family. ये हमेशा होता है, एंड आई कुक अ ह्यूज डिनर फॉर एवरीबॉडी, एंड सब घर में होते बातें करते. डस पॉलिटिक्स एक्साइट यू? नॉट रियली. डू यू ट्रैक पॉलिटिक्स? नो. व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस? पॉलिटिक्स आर पॉलिटिक्स, एंड पॉलिटिशियंस आर चोजन इन दिस कंट्री बाय द पीपल. एंड यू नो द रीजन व्हाई आई से दैट इज बिकॉज़ अ लॉट ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फ्रेटर्निटी आर वेरी एक्टिवली इन्वॉल्वड विद पॉलिटिक्स.
specific, you know, the likes of Ajay Devgan and Amitabh Bachchan, Aamir Khan, Shah Rukh Khan, Salman Khan, the who's who, you know, of this industry is very closely associated in some way or the other with politics as well. What about Sunny Leone? I'm personally not interested. I feel that nobody wants to hear me talk about my political views. They'd rather, you know, talk to me about what's hip and new, what TV shows I like, what, you know, what movies I'm working on. But as far as politics, I think for me that I just keep it on that side. There are some viewers of mine who are saying that since your identity, since you came into the Big Boss house, and, you know, your identity remains that of your past. Which is your association with pornography and porn stuff. They believe that you're actually not an actor, that you're still not an actor, and you're doing nothing else, but some are accusing you literally of, you know, of lowering the level of the fine art of cinema. You believe that is that a just criticism? That's there. Again, it's the thing is that whatever somebody's opinion is about me, I actually don't care. Because I'm working, like I said, I'm working every day. I have 3 movie releases this year. So what is this about, Sunny? Is this just about money? It's not just about money. Ultimately, it's about money? This is about something that I've always wanted to do. And when you work, just like you're paid to sit to talk to me, I am paid to sit to talk to you. And that's just how it works. And at the end of the day, it is business. We all work because we want to feed our families. But when you're in the art of cinema, there has to be a passion there, and that passion's always been there. Do you look at yourself as an artist? I look at myself as an entertainer. You're an entertainer. You know, in typical Bollywood terms, if I was to use it, you're an item girl. Are you an item girl? Are you an item girl? I don't know. That's a tag that I only heard of here. in this world of Bollywood? I don't see myself as anybody, just a girl that wants to work. So, अंत में सनी मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारे सारे दर्शक जो ये साक्षात्कार आपके साथ जो देख रहे होंगे ये इंटरव्यू, आप हमारे दर्शकों को आप अपने आप को उनके सामने कैसे आप कैसे प्रस्तुत करना चाहेंगे? मतलब वो if they want to remember you, how will they remember you? How should they remember you? I think that हर person का सोच however they want to see me is it's in their own mind. I don't know how to say this in Hindi. However they're going to see me, they're going to see me from their eyes. I'm not going to be anybody that's going to tell them how to do that. I have so many fans that are supportive, more supportive than hateful. Well, I must say that you're a very brave woman, Sunny, and my congratulations. Yes, I lasted your interview. My best wishes to you. Thank you so much. For your film. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.